नाजरीन एन 133 का हम लोग विजिट कर रहे हैं और यूसी 232 से निकल के अभी मैं पहुंचा हूं। टाउनशिप की मार्केट है ये, मेन मार्केट। और जिस तरह पहले हमारी बात हो रही थी यूसी के चेयरमैन से और कौंसलर भी मार्च आते, तो जाबुजात की भरमार है यहाँ पे। टाउनशिप की मेन मार्केट है ये, मेन मार्केट का रोड है ये, बरकत चौक से रोड आ रहा है। और अगर मैं दिखाता दूँ आपको तो आधा रोड जो है यहाँ पे दुकानें हैं, इंक्रोचमेंट है यहाँ पे, और बाइक्स हैं, गैर कानूनी पार्किंग है। सिर्फ उतना सा रास्ता, अगर आप कहने कि पूरी सड़क में से 50% हिस्सा तजावजात ने कब्जा कर रखा है उस पर, और बाकी आवाम को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बाइक्स यहाँ पे रुकती हैं, रेडियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, तो हालात जो हैं वो बड़े कोई अच्छे नहीं है यहाँ पे। कारोबार यहाँ पे लोगों का है, कारोबार हजरात से हम पूछ लेते हैं कि किसने इजाज़त दिया आखिर, ये बड़ा मसला है लाहौर का। और ये भी एक मसला है जो कि आने वाली गवर्नमेंट ने हल करना है। गवर्नमेंट चुकी आ चुकी है, अब जिम्मेदारी बनती है उस्मान गुजदार साहब की, और जो बल्दियात के वजीर हैं अब्दुल खान साहब, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब वो इस पर भी कोई अच्छा काम करें और इस तरह की पॉलिसी बनाएं लोगों को कारोबार करने के लिए, कहीं पर जगह दें। बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग, पूछते हैं क्या मसाइल हैं। भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। यार आधी सड़क आपने कहते हैं कब्जा कर लिया आपने जी, क्या करते हैं, कितनी दिहाड़ी देते हैं इसकी? किसी को कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। कोई पूछता नहीं आपको आगे? अभी आपका मुझे बंदा बता रहा था कि 25,000 देते हैं आप। नहीं नहीं कुछ भी, ऐसा कोई सीन ऐसे ना करें अब आप। नहीं नहीं कोई सीन नहीं है, आपको भी पता है। नहीं हम किसी को कुछ भी नहीं देते भाई, ना एनडीए ना पुलिस। यहाँ पे क्यों लगाते हैं आपको यहाँ पे, और कहाँ जाए भाई, थोड़े से पैसों में कारोबार करना है, फटे पे बैठे हुए हैं और क्या करें। दुकानों का छोटा ही है, ये छोटा है। आधी आधी सड़क आपने जो है यार कब्जा किया है, वो खुदा का खौफ करे यार भाई। हम ये यान पे लगाएंगे तो बाइकें लग जाएंगी, बाइकें नहीं लगेंगी तो रिक्शे लग जाएंगे, रोड ही ऐसी रहेगा। इसमें क्या सूरत है आम की? इसमें अब हमने भी तो कारोबार करना है ना, छोटा करें या कुछ और करें? छोटा यार, सही बताए कितने पैसे देते हैं? नहीं किसी को भी कुछ नहीं दिया था, नून लीग को। अच्छा वैसे जो आते ने वाले कबेटियां वाले कितने पैसे मांगते हैं? नहीं पैसे पूरे नहीं मांगते, पट्टे पुटे चुके लाए जाते हैं, बाद जुर्माना भरो तो लैओ वापसी। कितना जुर्माना होता है? वो होता 2,000 रुपया एक पट्टे का। एक पट्टे का नाजरीन सूरत हाल आपके सामने है, जुर्माना होता है 2,000 रुपये जुर्माना होता है। इनकी चीज़ें उठा के लेके जाई जाती हैं और वो जुर्माना दिया जाता है और फिर चीज़ें वापस ला के सारी सड़क इनकी है। फिर कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था ये दिन ब दिन जो ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इनका इकदाम करें ना, एक सड़क आने वाली एक जाने वाली रखें, और ऊपर से ये दिन ब दिन कह रहे हैं तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, तब्दीली क्या दिन ब दिन हाटों की आ रही है? कोई करंट से मार रहा है, कोई यानी कि एक्सीडेंटों से मार रहा है, कोई गवाह हो रहा है। आपने वोट किसे दिया था? हमने नवाज लीग को दिया था वोट, और नवाज लीग जीत गई है, यहाँ से जीत ली है। आप एक्सीडेंट की आपने बात की, यहाँ पे रोड क्यों नहीं सही कराते आपकी जो है? तो अच्छा का मरकज ही नहीं है, खुद बैठे हुए हैं घरों में आराम सुकून से, पैसा बाहर के मुर्गा कर्जे उनको दे जा रहे हैं, ये कारोबार के लिए कर्जे देना। आप मैसेज देना जरा, परवेज मलिक साहब जीते हैं यहाँ से, परवेज मलिक साहब को मैसेज दे के आप फैला आपके, परवेज मलिक साहब खुद आए, उनके तो खुद उनको दिलचस्पी देनी चाहिए आवाम के अंदर, के वो सदर की कुर्सी पे होते हैं, उनको तो आवाम को सवारना चाहिए, परेशानी का आलम नहीं देना चाहिए। किसी काम के लिए ऐसे महकमे में उसी टाइम गए, उसी टाइम काम होना चाहिए, और देरानों को इतनी इतनी तनख्वाह किस दिल की देते हैं? ऊपर भी वो पैसे ले लेते हैं, ऊपर 1 रुपया नहीं बनता, 1 रुपया भी देने का। चले परवेज मलिक साहब, आपका वोटर है गुस्से में है कि यहाँ पे लोगों की हालातें हो रही हैं, आधी सड़कों पे कब्जा किया हुआ लोगों ने, तो आप आए विजिट करें और जरा अपना इंटरेस्ट इनके पास पैसों वाली मशीनें होती हैं, वो तैयार करके दें ना आम के लिए। नई हुकूमत से उम्मीद है कोई? हाँ जी हाँ जी। क्या उम्मीद है नई हुकूमत से? उम्मीद ये है कि वो कह रहे थे तब्दीली आएगी, नौकरियां दे रहे हैं 1 करोड़ या 50 लाख रुपया घर दे रहे हैं, 50 लाख घर दे रहे हैं, तो घर ना दें तो फिर वो आए ना कुर्सी पे, आते ही ना। इमरान खान साहब मानी थी ना अगर उन्होंने आवाम से, तो बिल्कुल वो आते ही कोई ना दुनिया में, अगर बेइज्जती इंसल्ट करानी थी तो ना आते। फिर इमरान खान साहब ये वोटर था मुस्लिम लीग नवाज का, लेकिन 50 लाख घर जो आपने वादा किया था अपने मंशूर में, और आपने उसके बाद अपने पहले खिताब में भी कहा कि जो आपने वादे किए हैं इस पर आप पूरा उतरेंगे, कि बात सारी के साथ साथ ये जो वादे हैं, जो वो लोग हैं गरीब तबका जो ना कारोबार कर सकता है ना जिनके अपने घर हैं, उनके लिए आपने घर का बंदोबस्त करना है और उन लोगों को घर देने हैं अगर आपने अपनी इज्जत बचानी है और इज्जत बनानी है। नाजरीन पहले टाउनशिप बाहर मेन रोड पर मैं मौजूद था, टाउनशिप की मेन मार्केट के अंदर भी आया हूँ मैं। ये कारोबारी हब है, कारोबार बड़ी तादाद में यहाँ पे कारोबार चलता है लोगों का, अब आम की बड़ी तादाद यहाँ पे चीज़ें खरीदने आती है, खवातीन हो या मर्द हो बच्चे हों। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। गुल्लू बट जैसी मुछे हैं आपकी, माशाल्लाह। किसको वोट दिया था? मैंने पीटीआई को। पीटीआई को? पीटीआई से ताल्लुक है फिर आपका? पहले शहर से था, पीटीआई से। तो खूब कन्वर्ट क्यों है आप इस तरह? तब्दीली आनी चाहिए, पहले जो ना शहर ने काम बहुत कम किया लाहौर में, वादे बहुत किए हैं, काम इतने किए हैं, ये करेंगे इंशाल्लाह। अभी दुकान क्यों बंद है पीछे आप?
ये बांधे के हमने इसके दो शटर हैं, इधर भी इधर भी। चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं यार, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि ये क्यों लगाने चाहिए, इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्या मैसेज देंगे अपनी गवर्नमेंट को, आपने तब्दीली आपको चाहिए जी, जी। क्या ये मुनासिब, मेरे ख्याल से तो मुनासिब नहीं है कि ये नहीं होनी चाहिए इंक्रोचमेंट जो है। मैसेज सिर्फ क्या देंगे कि आप लोगों के लिए, निचले तबके के लिए क्या इकदाम किए जाएँ ऐसे कि आपका कारोबार तरक्की कर सके, आपको अच्छी दुकान मिल सके? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखो ना, आप जैसे मॉडल बाजार बनाया है वाशी में, ठीक है ना, वो जगह बहुत कम है, ठीक है, और उधर कस्टमर बहुत कम जाता है, ठीक है, दुकानों का रेट कम है मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना उस्ताल का रेट भी ज़्यादा है, लेकिन कस्टमर इधर बहुत ज़्यादा है, काम इधर होता है, इनको रोटी शोटी सब कुछ मिल जाती है इजीली, ठीक है। तो क्या मैसेज क्या देंगे कि कैसे मैसेज ये जगह हमें अब ये ना, देखो ना आवाम थोड़ी नहीं, अब यहाँ पे लाखों पे जो है ना गरीब लोग हैं, इनके लिए कोई बड़ी जगह चाहिए जहाँ पे बहुत बड़ा बाजार बनाना चाहिए, और हर बंदे को बाजार बनाना चाहिए, प्लाजा भी बना सकते हैं, प्लाजा बना सकते हैं बिल्कुल, जगह कम में प्लाजा बनाए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। वोट दिया था जी सर? किसे? मियां साहब को। मियां साहब को? जी सर मियां साहब। मियां साहब को वोट दिया था, हुकूमत बन गई तरीके साहब की, खान खान साहब को। अच्छी उम्मीद है उनसे कोई? इंशाल्लाह उम्मीद तो अच्छी है, देखिए आगे क्या करते हैं, अभी तो लाइट नहीं पूरी हो रही, लाइट पूरी नहीं हो रही, लाइट नहीं पूरी, लाइट जाना ज्यादा शुरू हो गई है, आगे देखें क्या बनता है इंशाल्लाह। वादे तो बड़े किए खान साहब ने, मगर वक्त के साथ साथ पता क्या करते हैं। चलें बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है जी, वादे तो बड़े किए हैं, दावे भी बड़े किए हैं इमरान खान साहब ने, उनके तमाम मुजा ने, कि हम किफ़ायत शारी अपनाएंगे, किफ़ायत शार हम बचत करेंगे, लेकिन आगे चल के पता चलेगा कि क्या होगा। भाई जान क्या हाल है? शुक्र है, वोट दिया था जी जनाब। किसे? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को? मुस्लिम लीग नमाज यहाँ से जीत गई, परवेज मलिक साहब जी जी। क्या कहेंगे उन्हें, कोई मैसेज देंगे आप? मैसेज ये देंगे कि सर जी हम बेरोजगार फिर रहे हैं, ये जी यहाँ पे कारोबार नहीं है बाजार में, हमारे लिए कोई बाजार लगाए जाए, अतवार बाजार है ये मार्केट में लिंक रोड पे लगता है, वो बंद हो गया है, ठीक है, तो अगर ये लिंक रोड वाला बाजार लग जाए तो मेरे ख्याल से टाउनशिप की आधी दुकानदार खुशहाल हो जाएंगे। ठीक है, चलें बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने परवेज मलिक साहब को मैसेज दिया जो यहाँ से इलेक्ट हुए हैं MN ने, उनको मैसेज ये दिया है कि जी इतवार बाजार कोई जो मॉडल टाउन लिंक रोड 60 ये चंद कदम के फासले पे है, और 5 मिनट की मैक्सिमम ड्राइव है, क्योंकि रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इन्होंने ये मैसेज दिया है कि जी ऐसे मौके फराहम किए जाएँ और इतवार बाजार जो बंद हो चुका है उसको दोबारा से शुरू किया जाए। खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी खवातीन। चले जी आपसे बात करते हैं, क्या हाल है? ठीक ठाक है। वोट दिया था? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसे? शेर को। शेर को? यहाँ से शेर जीत गया खुश अल्हम्दुलिल्लाह, शेर जीत गया, मतलब परवेज साहब दिन हुए। अच्छा, रमजान भट्टी साहब दिन हुए, छोटी बड़ी दोनों सीटों पर शेर ही जीता हमारे, एक सीट पे तरीके साहब वाले भी जीत गए। हाँ जी, पर नजीर चौहान साहब, नजीर चौहान साहब। तो मैसेज देंगे अपनी पार्टी को आप? पार्टी जिंदाबाद इंशाल्लाह, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब तक जिंदगी उनके साथ हैं, निशाना बिशाना खड़े हैं। कोई वजह है इतने प्यार की? यार उनके प्यार में टिंड करवाई है, वरना कभी भी ना करवाते, इतने लंबे बाल थे, उनकी मोहब्बत में टिंड करवाई है, जब से मियां साहब गंजे में बिके जाना शुरू हो गए। अनोखा प्यार है जी ये। अल्हम्दुलिल्लाह नई गवर्नमेंट से कोई उम्मीद है? नई गवर्नमेंट जो पिछली ने किया इसने भी वही करना है, सारे कहते हैं हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। आपने वोट क्यों दिया? वोट तो शेर की मोहब्बत में दिया है, शेर की मोहब्बत में वोट दे दिया, चाहे काम करे ना करे। भाई क्या हाल है, आपने किया वोट किसको? पीटीआई को। अच्छा मुझे बताएं क्या उम्मीदें आपकी? सर ऐसा चेंज के लिए वोट दिया, उम्मीद तो यही है और अभी भी उम्मीद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी आपके उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वज़ीर आला पंजाब, वो उतने शशके के नहीं जिस तरह शहबाज शरीफ साहब। मज़ा नहीं आया वज़ीर आला का, लेकिन चले फिर भी टाइम देना चाहिए, मेरा तो यही ख्याल है। अगर काम ना किए इन्होंने, तब्दीली ना आई, फिर शेर से भी ज्यादा बुरा हाल होगा। ओए होए होए होए, शेर से ज्यादा बुरा हाल हो गया जनाब अगर तब्दीली ना आई। और कहते हैं कि जी चले इतने शशके वाले नहीं है उस्मान बुज़दार साहब, लेकिन टाइम देना चाहिए उनको। मुझे बताएं क्या होगा, उम्मीद है अच्छी कोई? बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने वोट डाला इनको। अच्छा, बड़ी अच्छी तब्दीली आ गई। और जिन्होंने वोट दूसरी पार्टी को दिया है वो कामयाब, वो मतलब अकलमंद है सारे नवाज लीग को। हाँ, इनसे बेहतर काम कर रहे थे। अच्छा, क्या काम आप कहते हैं कि बेहतर किए इन्होंने? इन्होंने किया क्या अभी तक? तो अभी तो कुछ नहीं, इनका कोई अभी तो आए हैं ना, अभी तो सिर्फ वो 100 दिन वाला ऐलान चल रहा है। 100 दिन पूरे? 100 दिन बस अभी हो जाएंगे तो पूरे। अच्छा मुझे ये बताएं आपकी बातों से लगा कि आपने वोट नून लीग को दिया? ना ना, फिर किसको वोट किया? हम PTI के अमीर हक में थे। अच्छा, वोट दिया था? ना, क्यों? इस काबुल ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हक में भी थे आप, और आप इलेक्शन से पहले वोट? आप यकीन करें, हम नवाज लीग को आजमा लिया, हमने देख लिया था।
तो आपको आज जो है वो पीटीआई से काफी वाबस्ता है, हमारी बड़ी उम्मीदें इनसे और हमारी ख्वाहिश भी है कि आगे से। ठीक है जी इमरान खान साहब, उम्मीदें बड़ी वाबस्ता है आपके वोटर्स को आपसे और दीगर आवाम को भी, लेकिन जो वाकयात हो रहे हैं कुछ इक्का-दुक्का वाकयात, नो डाउट कि आपने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं, अमेरिका को आपने जवाब दिया मुंह तोड़, आपने अपना प्रोटोकॉल कम किया, आप बाकायदगी से असेंबली सेशन में भी जा रहे हैं, आप सेनेट के इजलास से आपने पहला खिताब किया, बड़ी अच्छी आपने बातें की, आपने जो ब्लास्ट फेमी का मसला था वो आपने अखवाम मुहिता में उठाने का ऐलान किया, बड़े अच्छे इकदाम किए, लेकिन इक्का दुक्का जो वाकयात इस तरह के हो रहे हैं, जिस तरह एक बच्ची की हलाकत का मामला सामने आ रहा है, खावर मानिका साहब का एक मामला सामने आ रहा है, इसके अलावा जो शेख रशीद वाला मामला सामने आ रहा है, तो इस तरह के वाकयात आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक्शन लें और पूछें कि इस तरह के वाकयात क्यों हो रहे हैं।